Władam dzień walczyć z Dresie. करेंगे सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। तो जहाँ पर मौजूद है बस वहाँ पर मौजूद हमारे एक सुर पाते हैं तमाम शहदा के लिए और इसके अलावा दुनिया भर के लिए जहाँ शहीद हुए अरनी मोमनाथ और ऐसे इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर इस मंच सानिया में जो अरनी शहीद हुए उनके सारे सबाब के लिए एक सुर पाते हैं। शहीद हैं। मैं कराची से जब यहाँ आ रहा था मुख्तलिफ जगहों पर
आपके ही इजहार यकजहती के लिए धरने शुरू हुए और आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर ऐसा है कि जहां आपके इजहार यकजहती के लिए लोग जमा नहीं हैं। खुदा जो शहदा है उनके घर वालों को सदा जमील अता फरमाए, आप सबको खुदा सलामत रखे और दुनिया भर में जहां जहां के अज़ादार इस वक्त इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में, इस और अपने एहतजाज के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। जो भी हम सबसे मुतालबात हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मंजूरी से ज़रूर पूरे हों, वरना ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। असल अदालत तो अल्लाह की बारगाह में है, असल अदालत तो वहाँ है। कहते हैं ना कि शाह के मातमदारों पर तुम जुल्म कहाँ तक बढ़ाओगे, आज हुकूमत जालिम की है, कल है हुकूमत ज़ालिम। जहाँ जहाँ इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त भी करते हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को कि जो भी शहदा के लवाहिकीन के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि हमें फ़ख्र हो सके कि हमारी ये हुकूमत है जिसका जिसको हमने वोट दिया, वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हमारे मुतालबात भी पूरे हों, लिहाजा अगर मुतालबात पूरे नहीं भी होते तब भी हम जिस मकसद और जिस मिशन पे हैं वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का मिशन है, ये जारी और सारी रहेगा। चाहे हमारी जानें चली जाएं, घर का एक एक फर्ज चला जाए, मगर नाम हुसैन रह जाए, ये खुदा का वादा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक वादा हम सबसे मिलकर करना है, एक वादा हम सबसे मिलकर करना है। ये जहन में रखिए, ये एक बात आप जहन में रखिएगा कि आज जो आप अपने शहदा की लाशें लेकर बैठे हैं या आप अकेले नहीं बैठे, हमारी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, क्या पता कहीं पे सैयद सज्जाद बैठे हो आपके दरमियान, पर्दे में जनाब ज़हरा बैठे हो, क्योंकि ये बीबी सैयदा का वादा है कि तुम मेरे बच्चे को रोगे मैं तुम्हारे रब चुके हूँ। और ये वाकयात आप कई बार सुन चुके हैं कि ये खातून थी जिन्होंने अपने बच्चे का जनाजा जनाजे में शिरकत नहीं की, क्यों? क्योंकि अय्याम अज़ा चल रही थी। तो जब अय्याम अज़ा खत्म हुए वो खातून जब कब्र पर गई तो देखा कि नकाब पोश बीबी उस कब्र पर बैठी है, और कहा कि तुम कौन हो जो मेरे बेटे की कब्र पर बैठी हो, तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? कहा बस इतना समझ ले तू अपने बच्चे का गम छोड़ कर मेरे बेटे हुसैन का गम मना रही थी, तब से मैं तेरे बेटे की कब्र पर बो रही हूँ। आज जनाब ज़हरा से एक वादा करना है कि बीबी जैसे भी हालात हो, जितने बुरे हालात हो जाए, हमने इमाम हुसैन अलैहि सलाम से मोहब्बत नहीं छोड़ी। बीबी ये हमने वादा है, अब वादा करने के लिए अब सारे अपने हाथ बुलंद करें माशाल्लाह, सब हाथ बुलंद हो माशाल्लाह, हाथ बुलंद होंगे और एक नारा लगेगा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से कोयटा से सारे आवाज़ों तक आवाज जानी चाहिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी हाथ बुलंद रहे हैं जितने हमारे जवान पीर हैं, ये जो इस सर्दी के अंदर बैठे, आज एहसास दिलाना है इस दुनिया को कि हमें किसी भी मौसम का फर्क नहीं पड़ता, गम हुसैन की हरारत हमारे सीनों में है। मिलकर सारे ऊंची आवाज से मेरे साथ पढ़ेंगे, हुसैन 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 हुसैन। है इरादा है वादा बीबी ज़हरा से, है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से। माशाल्लाह सारे जवान जरा ऊंची आवाज से हाथ नजर आए, है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से, है इरादा है ये वादा माशाल्लाह बीबी ज़हरा से, मोहम्मद की घरानी से, मोहम्मद
अली न छोड़ेंगे, आजादारी 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 न छोड़ेंगे। अब जरा सीनों पर मातम की आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है, लबों पर नौह खानों के लुटे घर की कहानी है, किसी छोड़ेंगे, आजादारी न 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 छोड़ेंगे। अब जो हमारे हाथ गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका है ना, गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजुओं का सदका है, हम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का नमक खाते हैं। आइए गाजी अब्बास से एक वादा करें, अपने दोनों हाथों को उठाइए, अलमदारी हुसैनी से आजादारों का वादा है, अलमदारी हुसैनी से आजादारों, अलमदारे हुसैनी से आजादारों का वादा है, हवा जितनी मुखालिफ हो मगर अपना इरादा है, हवा जितनी मुखालिफ हो मगर अपना इरादा है, ये बाजू कट भी जाए तो, ये बाजू कट भी जाए तो, अलमदारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। और जहां मिजो, अब हाथ बुलंद करके अपने अकीदे का ऐलान करना है, जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं, जहां में जोर बातिल से अली वाले ही जीते हैं, यजीदी और हुसैनी तो अजल से दो कबीले हैं, यजीदी और हुसैनी तो अजल छोड़ेंगे। यही शायरा है, जब
यहाँ से इमाम रजा की ज़ियारत करते हुए फिर इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन जाते हैं। लेकिन जितनी सख्तियां भी आई, यहाँ ज़ायरीन अपनी जान का नजराना देते भी रहे, जख्मी होते रहे, इमाम हुसैन की ज़ियारत पर जाते रहे। तो मेरे मौला तेरी ज़ाहिर हदीसों की सनद लेकर, मेरे मौला तेरे ज़ाहिर हदीसों की सनद लेकर, तेरे रोज़े पे आएंगे तेरे जद की मदद लेकर, तेरे शहीदों के जनाजे रखे हुए हैं, आप इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। आपने ना इमाम हुसैन का जिक्र छोड़ा, ना खुदा की इबादत छोड़ी। इस सर्दी में अज़ादारी भी की, इस सर्दी में आपने नमाज भी पढ़ी। तो यही अकीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें दिया है। हाँ यही हक बात है, लोग कहीं फरहान बस है, इबादत से इबादत का नमाज भी पढ़ेंगे हम, नमाज भी पढ़ेंगे हम, हाथ उठाकर बोले सारे, नमाज भी पढ़ेंगे हम, नमाज भी पढ़ेंगे हम, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी। रब्बे क्या हुसैन, 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 रब्बे क्या हुसैन। मुझे ईमान से बताइए, क्या किसी के चेहरे पर कोई खौफ है, कोई परेशानी है? हमें तो लोग देखकर वैसे ही परेशान हो जाते हैं, ये कैसी कौम है, खुद को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, मारते हैं भी तो अपने आप को मार कर खुश होते हैं, मातम कर कर खुश होते हैं, किसी को रुलाते नहीं है, खुद इमाम हुसैन के गम में रो कर खुश होते हैं। भाई पूरी दुनिया को बताना है, नहीं 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 नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, चलो जितनी देर भरना है उतनी देर कम से कम मौला का जिक्र तो हो रहा है। और ये बात जहन में रहे, मासूमीन फरमाते हैं कि जिस मकाम पर भी अल्लाह का रसूल का आले रसूल का जिक्र होता है, वो मकाम बरोज़े हश्र गवाही बनकर उठता है। क्या हमने कभी सोचा था कि शाहरा पर जहाँ गाड़ियां चलती हैं वहां रुक कर मौला हुसैन का जिक्र होगा? तो यकीनन ये सब मौला हुसैन का करम है कि मौला ने हमें ये मौका दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी जगह जगह कर रहे हैं, और ये इसका वसीला बने हैं हमारे ये शहदा जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। अगर ये अपनी जान का नजराना ना देते, अगर ये शहीद ना होते, तो इस रोड पर आज इस वक्त मजलिस हुसैन ना हो रही होती। तो सोचिए कितना बड़ा अजर का वसीला बनकर ये शहदा चले गए हैं। तो आइए मिलकर ऊंची आवाज से पूरे कलेजे की ताकत से हाथ उठाकर बोलना सारे, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है। और ये अपने तमाम मुमनीन तक
ये पैगाम पहुंचाएं ताकि उनको ये तकवीत मिले जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में आपसे इजहार यकजहती करते हुए धरने दिए बैठे हैं, वो भी कोई सर्दी के आलम में बैठे हैं, अपने बच्चों को लेकर अपने खानवादे को लेकर उनको ये तस्लीम देनी है, ये सब्र की तलकीन देनी है कि हम आपने हमें हौसला दिया, हम यहाँ आपके हौसले के सबब हम बा हौसला बैठे हैं। तो जरा ऊंची आवाज से पूरी दुनिया में पैगाम जाए कि हुसैनी कभी घबराते नहीं है, अपने प्यारों के लाशें उठाते हैं मगर फख्र से उठाते हैं। हाथ लगे सारे बोले हम नहीं होते परेशान अली वारिस रे, मुश्किलें होती है आसान अली वारिस रे, हम नहीं होते परेशान अली वारिस रे, मुश्किलें होती है आसान अली वारिस रे, रस्म जिसमें हमेशा से है हो इम्तिहान या कोई मारेगा, घर से जो निकले तो माने कहा, भाग उठाए जिसकी माँ ने कहकर बुलाया, जा तेरा वारिस है मुश्किल खुशा है कामयाबी मुकद्दर तेरा, दुश्मन तेरा कुछ ना कर पाएगा, साया पिघल तुझ पे है ये दुआ, फतह तेरा नसीब और तेरी बका, अली वारिस अली वारिस अली वारिस अली वारिस अली वारिस। देखिए दुनिया भर में जहां जहां भी धरने हो रहे हैं, यकीनन हर शहर में हर इलाके में हो रहा है और हर इलाका अपनी एक जबान रखता है, यहाँ कोयटा में या तो फारसी बोली जाती है या पश्तो बोली जाती है, कराची में उर्दू बोली जाती है, लेकिन उर्दू के अलावा बहुत सारे सूबों से लोग हैं। अब सिंध इंटीरियर सिंध में जाएं तो वहाँ सिंधी बोली जाती है, पंजाब में जाएं पंजाबी बोली जाती है, मुल्तान में जाएं सराइकी बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, लंदन में इंग्लिश बोली जाती है, बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ जिस जबान में भी जो जबान बोली जाती है हर मुल्क में इन शहदा के इजहार यकजहती के लिए गम को बांटने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट में जिक्र क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो हर जबान हर रंगो नस्ल इमाम हुसैन के जिक्र में आज मसरूफ है। तो आइए पूरी दुनिया को ये बताएं कि हमारी जबान कोई भी हो, हमारा मुल्क कोई भी हो, हमारा सूबा कोई भी हो, हमारा शहर कोई भी हो, हमारी जात कोई भी हो, हम हुसैन के अज़रार की हैसियत से सब इकट्ठे हैं और हम सबका एक नारा है, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन, नस्लों ज़बाँ की कहाँ कहते हैं, नस्लों ज़बाँ की कहाँ कहते हैं, ना ही मज़हब की कोई यहाँ कहते हैं, ना ही मज़हब की कोई यहाँ कहते हैं, फर्श मजलिस पे किसकी ज़बाँ कहते हैं, फर्श मजलिस पे किसकी ज़बाँ कहते हैं, हर ज़बाँ ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, चाहिए माला जो भी है मातमी मौला शबीर का, ओदे सावच बसदी है करबो बला, ओदे सावच बसदी है करबो बला, ओदी बख्शिश जामिने खुद सैयदा, हर ज़बान ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन।
करे। Life is Hussein, Hussein. The voice in every heart is Hussein, Hussein. Every moment, every day is Hussein, Hussein. Har zaman zikre mola Hussein kare, sari duniya Hussein, 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 Hussein kare. सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे। सुलझना 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 खाली आया है शब्बीर का सुलझना खाली आया है शब्बीर का सुलझना 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 से सकीना ने रो कर कहा सुलझना से सकीना ने रो कर कहा यूं है बागे कटी जिस्म जख्मी तेरा जीन खाली है क्यों और से है झुका बोलता क्यों नहीं है तेरी ज़बान सुलझना सुलझना है कहा बाबा जान सुलझना सुलझना है कहा बाबा जान सुलझना सुलझना है कहा पी रही बाद बाबा के मैं जी नहीं पाऊंगी मेरे बाबा को तू छोड़ आया कहा सुलझना सुलझना तू इतना जख्मी है मेरे बाबा कितने जख्मी होंगे तू इतना प्यासा है मेरे बाबा कितने प्यासे होंगे जानते हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह ने एक सवाल किया सुलझना से ऐ सुलझना ये बता कुंद खंजर चलाने लगा जब लई मेरे बाबा को पानी दिया या नहीं याद में ज़िबह भी थे वो तिश्नो नहा सुलझना सुलझना है कहा बाबा जा सुलझना सुलझना है कहा बाबा जा सुलझना रोती रही कह रही थी ये भी कह रही थी ये मासूम की सिसकियां सुलझना
राजा। बहुत सारे घर उजड़ गए हैं शाने मच में। हाय हाय, कितने घर आपने देखा जब लवाहिकीन यहाँ पर आए थे शुहदा के, किस अंदाज से बहनें रो रही थी, किस अंदाज से बूढ़ा बाप जवान बेटे की तस्वीर लेकर खड़ा था, किस तरह से माँ अपने लख्त जिगर की तस्वीर को हसरत से देख रही थी। और ये यकीनन हम सब का यहाँ अज़ादारी करना और आप सबका शुहदा के लवाहिकीन के साथ यहाँ बैठना, उनके लिए सब्र पर हम करना, सब्र की तलकीन पर हम करना है। और सब्र की तलकीन उनको पेश करने के लिए हमारे पास मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम से बड़ा कोई वसीला नहीं है। और इस बात पे भी हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि बीबी आपके गम ने हमें अपने गम को भुलवाने पे मजबूर कर दिया। तो आइए मातम भी करें, जरा शोहदा के वर्सा को बोलिए, जरा हाथ उठाइए, बोलिए का हौसला। अगर हुसैन तेरा हम ना सामने होता, अगर हुसैन तेरा हम ना सामने होता, अगर हुसैन तेरा हम ना सामने हौसला। अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता, खुदा न खास्ता कभी जो ये मौका के बाप उठाता, करियर जवान का लाशा तो लाश उठाने से पहले ही पाप मर जाता। अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता, अगर हुसैन तेरा गम सामने होता। शहदा की बेटियों के सब्र के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ अजीब चाहत होती है बाप बेटी की, अगर हुसैन की बेटी ना हौसला देती तो बेटी बाप की मैया से कैसे होती जुदा। अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता, कहाँ से गम को उठाने का हौसला था। अगर हुसैन शेर है, अगर मरे सीनों में ना सुना होता कि कैसे लाश बरादर पे शहर नो किया, तो हमें भाई के भाई का दम निकल जाता। अगर हुसैन उनको लिया हुसैन ने
तो गिलाशों को झूम गए, मिलना हमें इमाम जमा की सिपाह में। अरे तुम्हारी शहीदों के घर वालों की तरफ से मौला की तरफ ये जुमले पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी चाह के कर्जे चुकाए हैं मौला के माने बेटों के लाश सजाए हैं मौला, करार कैसे शहीदों की माँ को आता। अगर हुसैन का ऐलान करना है, दुनिया को बताना है ये हमारे शहदा के लाश रखे हैं, लेकिन हमने किसी शहीद का मातम नहीं किया। हमने आज भी खड़े होकर बीबी सहरा के भरे घर का मातम किया, करबला के शहदा का मातम किया, क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारी मौत नाम हुसैन पर कुर्बान है। हम जिए तो हुसैन पर, हुसैन के नाम पर शहीद हो तो हुसैन के नाम पर। आज जितना भरा कुर्बा किसी के घर से पूरे पूरे मर्द शहीद कर दिए गए, किसी के घर से एक जवान, किसी के घर से दो जवान, वीरान कर दिया है घरों को, मगर आबाद कर दिया है इमाम बारगाह को। तो आज भी हम इस अकीदे के साथ कि हमारे जवान सच का है अली अकबर का, हमारे बच्चे सच का है अली अकबर का, हमारे माँ बाप सच का है मासूमीन का। जनाबे ज़हरा आप पर सारी जिंदगी अपने नस्लों अपने आबाजाद नस्लें कुर्बान कर देंगे। तो आइए अपने सरों पे मातम करके जनाबे ज़हरा के भरे घर का मातम कि दीदी आज हमारे घर से जनाजे उठ रहे, तो आज हमें एहसास हो रहा है कि तेरा भरा घर लुटा था तो क्या हुआ था। आज तो जवानों के लाशें उठाने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं, तेरा बेटा बेगौरव कफन रह गया, जहाँ तेरी बहन कहती थी जहाँ तेरी हुसैन यहाँ वाला हुसैन तेरी बहन कहती थी, या जनाबे ज़हरा तेरी बेटी कहती थी, या गाजी अब्बास तेरी आकाजादी कहती थी, लाश पर लाश हुसैन पर रह गई दश्त में तनहा तू दिया लाया, पानी पाया तो हर कृष्ण दहनिया लाया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैना, भाई की लाश पहुंची तो कफनियाँ आया। अपने सरों पे मातम करके सारे सदा वरण करें, फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा, ऊंची आवाज से माशाल्लाह, फातिमा फर्शे अज़ा
बिछाया है करम ने मजलिस शबीर ने किया वरना कहां गरीब का घर और कहां हुसैन की मां कहां गरीब का घर और कहां सारे सीने से निकल के माशाल्लाह हल्का बनाकर खुदा के आने की बदल रही है हवाएं गरीब खाने की बदल रही है हवाएं गरीब खाने की मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी जहरा कहा गरीब का घर और कहा हुसैन जन्नत बना दिया बीबी गरीब खान को जन्नत बना दिया बीबी खुशी ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी खुशी है जिसने रुला दिया और जो शहदा के लवाहिकीन है घर वाले आपके सब्र के लिए चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। दुनिया का उसूल तो यही होता है ना कि जब जब किसी के घर इंतकाल हो जाए तो दुनिया उसके घर कुर्सी के लिए जाती है। जिसका इंतकाल हो जाए वो घर वाले कुर्सा लेने कहीं और नहीं जाते बल्कि उनको कुर्सा देने के लिए आया जाता है। आप देखिएगा चार मिसरे जनाब ज़ारा की मज़लूमियत क्या है कि जब किसी घर में कोई कितने खुशनसीब हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि बीबी ने जो गम उठाया है जो मुसीबत उठाई है उसका सदका है कि हमें ये सहूलतें मिली हुई है वरना बीबी इतनी मजलूम है कि जब किसी घर में कोई मैं जाए दुनिया गम बांटने को आती मजलिस हुई और बिछ गया फर्श अदा जाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल रो सरता जो पढ़ा इतना रोई जहरा शबीर पे खंजर चला इतना
करके बीबी के घर का पुरसा सारे घर का पुरसा दे रहे सरों में वतन करके देते रहिए अहले आजा खासी का पुरसा सरवर का पुरसा रहे याद रहे कि हमारे शोहदा के जनाजे रखे थे हम अपने शोहदा को नहीं रोए बीबी तेरे बच्चों का गम मनाते रहे कोयटा में बैठकर धरना देकर जनाजे उठाकर जनाजे रखकर तेरे बच्चों का गम मनाते रहे शहजादी को नैन देते रहे अहले आजा खासी का पुरसा सरवर का पुरसा अकबर का कासिम का सिगर का पुरसा शब्बर का पुरसा बाबा का पुरसा हैदर का पुरसा मादर का पुरसा जैनब का कुलसुम फिजा का पुरसा सज्जाद वाली सकीना का पुरसा वाली का पुरसा चादर का पुरसा होना मोहम्मद का बाकर का पुरसा नैनो पे रखे हर किसर का पुरसा बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा इतना रोई जारा हुसैन या 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 हुसैन की सदा बुलंद हो या हुसैन की सदा बुलंद हो या हुसैन या हुसैन ये जलाली का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। सलाम पेश करता हूँ अपने कौम के उलमा को, कौम के रहनुमाओं को और आप तमाम अज़ादारों को जिनकी मेहनत से आज ये जलाली का सिलसिला जारी और सारी रहा और इंशाल्लाह जो भी हमारे नेक मकासिद हैं उसमें अल्लाह हमें कामयाब फरमाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है हमारे मुतालबात भी मंजूर किए जाएँ। अज़ादारों एक कलाम मैं इस वक्त पढ़ना चाहता हूँ और क्योंकि शोहदा के लाशें रखे हुए हैं फिर एक एक मकाम पर आपको सब की तरकीब मिलेगी खास तौर पर शोहदा की बेटियों के लिए चाहे वो सादा मंच में शहीद हुए या इससे पहले शहीद हुए सब शोहदा के बेटियों की सबक के लिए पेश कर रहा हूँ कि आपके बाबा का जनाजा मेरे सामने रखा है। हजारों हजार है जो आपके बाबा के जनाजे को कांधा देने के लिए बैठे हैं, लाखों हजार हैं जो अलग अलग मुल्क अलग अलग शहरों में धरना दिए बैठे हैं, लेकिन शुक्र अदा करें कि आपके बाबा का जनाजा आपकी आंखों के सामने है। दुनिया में ये रीत है ये रिवाज है कि जब कोई यतीम हो जाए तो उसको उसके सर पर हाथ रखा जाता है, खासतौर पर बेटियों के सर पर सारे रिश्तेदार आकर हाथ रखते हैं कहते हैं कि तुम्हारे बाबा का दुनिया में नहीं तो घबराना नहीं, हमारा साया तुम्हारे सर पर रहेगा। लेकिन अज़ादारों हमारे लिए फिर भी एक और सबसे तल्खीन है कि जनाब ज़ारा की चादर का साया हमारे सर पर है। गुरबत जनाब सकीना की मुसीबत जनाब सकीना की याद करो कि जब सकीना यकीन हुई तो किसी का हाथ उठा था मगर सर पर हाथ रखने के लिए नहीं मुंह पे तमाचे मारने के लिए। आहा को रोकना मत, रात का ये पहर है अंधेरा है जैसे सामने कब्रिस्तान है शोहदा का शामे गरीबा में सकीना भी बाबा का लाश छोड़ने गई थी। अभी जो शोहदा की बेटियां हैं वो यकीनन अपने बाबा के जनाजे अपने बाबा की कब्र पर सामने कब्रिस्तान में कोटा के अंदर सामने कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने जाती होंगी लेकिन मुहब्बत के साथ जाती है हिफाजत होती है लोग एहतराम करते हैं। सोचो जनाब सकीना शाम का जैसे ये अंधेरा इस वक्त हो रहा है ना इस वक्त तो लाइटें हैं शाम में गरीबा का अंधेरा जलता हुआ दामन कानों से सूझ बह रहा है लाशों से टकराती हुई सकीना बाबा के लाशों पर पहुंची है। अज़ादारों किस किस मकाम पर रोएंगे शोहदा के बच्चों की तल्कीन के लिए सबर की तल्कीन के लिए शेर कलाम पेश कर रहा हूँ कि वो सकीना जो अपने बाबा से आखिरी बार कब मिली थी
जब उसके बाबा हुसैन का आखिरी दिन था रोजे आशूर, और उसके बाद वो कब मिली है दोबारा, जब सकीना का आखिरी वक्त था जिदाने शाम में। जो भी दुआएं मुरादें मांगनी है इस दुआ में, इसका नाम बड़ा कबूलियत वाला कलाम है, दुआ कीजिए फरशेजा पर, दुआ करें इंशाल्लाह। आज सुबह के जनाबे सकीना का गम बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह सकीना के सबसे हर मुश्किल को आसान फरमाएगा। दीदी का गम बहुत बड़ा है, हमारा गम बहुत छोटा है। अज़ादारों, जब सकीना बीबी को अपने बाबा का सर मिला, अब सिर्फ महसूस करना, क्रिया करने में शर्माना नहीं। रात का पहर है, रात का अंधेरा है, जिदाने शाम है, गुप अंधेरा है, बाबा का सर सकीना की गोद में है, और सकीना बाबा के सर से गोद में लेकर कहती है, बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त वाला जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया। सिर्फ मसाइल पे जगह किया कीजिए, और हमारा ध्यान कहीं और रहा, यकीन आपका ध्यान बीबी के गम पर है, और इसी से सबसे शोहदा को मासूमी की जमाने में खुदा जगह का फरमाएगा। बाबा जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी सम्त को एक जालिम बढ़ा। मैं लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा शाम के जिंदगान के सितो, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जन शिवरे जब, बाबा जन शिवरे जब मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खेची मेरी कुर्ता हुआ खून मिटे, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिद्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम को भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। कलेजे को काट देने वाले जुमले हैं, बीबी कहती है, मैं शरार गम भी सोजाऊं भी थमावे वजूद, मैं शरार गम भी सोजाऊं भी थमावे वजूद, दोबारे बयाद खूनम यकी बूद्य
यकीन हो बाबा जो दर्दे बजूना बाबा जो दर्दे बजूना बाबा जो दर्दे बजूना बाबा जो दर्दे बजूना बाबा जो खुशोमने बाबा जो खुशोमने दर मंजिले फकीरों ने पिया बिछिन बिछिनो दर्द दिले यतीमों ने बाबा जो खुशोमने बाबा जो खुशोमने मोर बोरे खोके कदमे बाबा जो खुशोमने मोर बोरे खोके कदमे वक्ती रफ्ती दुश्मनों आतेश कदम बिखरी बाबा बोर खातिरे छिने सदन कुदर बिबचो बाबा 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 जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दर्दे बेजोना बाबा जो दादाश आलीलो बे कुजो बर्दे बाबा बच्चा मेगर उनो पेश खुदा बर्दे बाबा बच्चे मेगर उनो पेश खुदा बर्दे बाबा बाबा जो दे अब सुनिए जनाबे सकीना ने एक मंजिल ऐसी आई कि जिस पर जनाबे सकीना से सारे हुसैन मुखातिब हुआ और सारे हुसैन से आवाज आई सकीना सारे हुसैन से आवाज आई सकीना तो सकीना ने बाबा से कहा बाबा क्या कह के मुझे पुकारा है जरा एक बार फिर पुकारे हैं सारे हुसैन से फिर आवाज आई बाबा सारे हुसैन से आवाज आई सकीना सकीना की आवाज आई बाबा जरा एक बार फिर पुकारिए इस नाम को सुने हुए काफी अरसा गुजर गया तो मौला हुसैन ने कहा बेटा ऐसे क्यों कहती हो तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तलब कर कहती है बाबा जान तुमको नहीं बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा बाबा जान आज तलक बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं बाप का जाना यतीमी या असीरी है पदर लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह अपने गम तुम भी सुनाओ सरे हुसैन से आवाज आई सकीना तेरे रुखसारों पर ये नील के निशान कैसे बरसात पर सकीना भी कहती है बाबा जान देखे ना क्या बाबा जान देखे ना क्या सुन भी ना पाओगे माया मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान बाबा जान आज ललक बाबा जान तुम भी मुझे बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम में भी सुनाओ आपसे सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा सोचे जो मंजर पेश कर रहा हूँ कि मंजर तो सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों से देखा है जब सकीना बीबी तड़प कर कहती थी बाबा जान बाजू बने बाबा जान बाजू बने सबके बनो मेरा गला जब रसन खींचती थी तो खुलता था हर काम मेरा बाबा जान मैंने किया बाबा जान मैंने किया पंचों पे चल कर वो सफर
दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, मस्त खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ बाबा जान। आप बाबा जान दूर हुई अब मेरे सदमों की थकान, आ गए आप बस अब चैन से आएगी कज़ा, बस यही खत्म हुई मजहरों पर हाल पुकार, ले चलो साथ मुझे पाली सकीना ने कहा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ। आई आखिर में ये दुआ करें कि मालिक हम सबको इस दुनिया से जरूर जाना है, मगर मरने से पहले हर मोमिन की जो ख्वाहिश है हाथों को दुआ कर उठाइए माशाल्लाह, और यकीन है ये शहदा भी उसी जगह उसी मकाम पर होंगे जिस मकाम पर हम दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह। इश्क हुसैन की गर्मी ही आपके खून में है, ये -6 -7 टेम्परेचर कोई मायने नहीं रखता, अपने हाथों को बुलंद करें, इश्क की गर्मी दिखाएं, हाथों को उठाकर सारे मिलकर बोले या रब्बुल मशरिक़े या रब्बुल मग़रिबे, मरने से पहले यारा दीदार करे भला हो, यारा बिहा के जहरा कॉफी किए अता हो, मरने पहले यार दीदार कर भला हो, जो ऐस कर भला है हर ऐस से सिवा है, इस खाक कर भला भी शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है, हर दवा मरस की ये खाक ही शिफा हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो, यारा बेहक जहरा कॉफी किए अता हो, मरने से पहले यारा दीदार करबला हो, हाँ मरने से पहले यारा। आप महसूस करें अपने आप को करबला में, किस सजदा किया था मजलूम करबला ने, झाड़ा था जिस जमी को बालों से सैयदा ने, बालों से सैयदा ने, जब मैं वहां पे पहुंचू जब हम वहां पे पहुंचे होटो पे दम रुका हो, मरने से पहले यारा दीदार कर भला हो, यारा बेहाक जहरा कॉफी पिए अता हो, मरने से पहले यारा दीदार कर भला हो, और एक दुआ इसके सर और शामिल करें, मरने से पहले यारा दीदार हसन सवाल का
बड़ा खुशबूती है सलाम से मजहूर है सलाम पर अंदर सलावात अल्लाह।